नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। मेरे अपने ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज दोस्तों, मैं गई थी नर्सरी, और जहाँ से मैं मैक्सिमम प्लांट्स लेती हूँ, उन भैया ने कहा था कि कल और पौधे नई लौट आएगी, तो मैम आप कल आइएगा और कल आपको सब कुछ और सही रेट में मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मगर अब आ ही गए तो कुछ ना कुछ तो दे ही चले। तो मैं ये दो गुलदाउदी के पौधे, और देखिए इसमें छोटी छोटी कलियाँ भी इसमें आ रही हैं, अगर दिख रहा होगा, देखिए कलियाँ भी हैं, इनको मैं हटा दूँगी। और ये दो मैं गेंदे के प्लांट्स लाई हूँ। तो मैंने एक ये खाली किया है गमला दोस्तों, और इसमें देखिए मैंने ढिकरी रख दी है, और ढिकरी हमेशा इस तरह से रखनी चाहिए, जैसे थोड़ा सा ये पार्ट गोलाई में है, उभरा हुआ सा है, बिल्कुल प्लेन रख देंगे तो पानी निकास में कुछ दिक्कतें आएंगी। तो इस तरह से हमने ढिकरी को रख दिया है, और अब हम थोड़ी सी मिट्टी अब हम इसमें डालेंगे। और मिट्टी आजकल तो दोस्तों, हमारे यहाँ 3-4 दिन से बारिश हो रही थी, आज ही धूप निकली है, तो ये देखिए। और इसके बाद मैं अपना किचन वेस्ट जो मैं ले के आई हूँ वो मैं डाल रही हूँ। ये देखिए किचन वेस्ट, ये हैं कुछ मूली के पत्ते हो जाएंगे, और कुछ मैं लाई हूँ केले के छिलके भी मैं लाई हूँ, तो कुछ इसमें मेरे केले के छिलके भी आ जाएंगे। और ये ड्राई मैटर काम करेगा, ये कागज़ जो है ड्राई मैटर यानी कार्बन का काम करेगा, तो ये ड्राई मैटर के लिए मैं ये डाल दे रही हूँ। बस इसके लिए इतना ही बहुत है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी नीम खली, जिसको देखिए मैंने आपके सामने ये रखा है, नीम खली है, थोड़ी नीम खली डाल दूँगी मैं इसमें, जिससे कि इसी तरह का कोई फंगस वगैरह नहीं होगा। मिट्टी में भी मैंने थोड़ी सी नीम खली मिला दी है। तो बस अब हम थोड़ी सी मिट्टी इसमें भरते हैं, और जो केले में पोटाश, मैग्नीशियम, इस तरह की बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए बहुत ही कारगर होता है। तो देखिए मैं इस तरह से इनको ढका दे रही हूँ, और चूँकि पौधे बहुत छोटे छोटे से हैं, तो जब तक ये सड़ेंगे गलेंगे, नीचे बहुत ही अच्छी खाद उनको मिल जाएगी। चूँकि ये सीजनल पौधे हैं, तो इनको जो है काफ़ी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, खाद की ज़रूरत पड़ती है। और ये मेरा मिट्टी जो है गार्डन सॉइल है, इसमें खाद भी बहुत अच्छी मात्रा में मिली हुई है। तो देखिए ये टूट नहीं रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया था, मिट्टी में दबा रहेगा, और धीरे धीरे स्लो रिलीज खाद है ये, गोबर की खाद। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। और देखिए अब मैं एक इसमें गुलदाउदी रिपोर्ट करूँगी, तो एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये एक आराम से निकल गया है, और बाकी मैं इसमें अब मैं एक ही पौधा लगाऊंगी, थोड़ा सा दबा देते हैं। तो ये जो पौधे हैं मेरे को दोस्तों, ये 8 रुपये का एक दिया उसने, और कल कह रहा था कि आप ज़रूर आइएगा, तो 5-5 रुपये में आपको सब कुछ, गोभी के पौध और ये सब मिल, बैगन के पौध सब लाएंगे, हाइब्रिड लाएंगे, तो वो आपको जल्दी फ्रूटिंग भी देगा, और तो आप कल ज़रूर आइएगा। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं कल ही आऊँगी, और सही रेट में भी लगा देता है वो, क्योंकि अक्सर मैं उसी से लेती हूँ, और पॉट वगैरह भी मैं उसी से लेती हूँ। तो देखिए ये मेरा एक गुलदाउदी ये पॉट हो गया है, और इतना ये तकरीबन 10 इंच का गमला होगा मेरा, देखिए। तो इसमें ये काफ़ी अच्छा
फलेगा और इसी से मैं कटिंग ले लेके, जब ये लग जाएगा थोड़ा बड़ा होएगा तो इसी से मैं कटिंग ले लेके नए प्लांट बनाऊंगी। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था गुलदाउदी की, मैंने कहीं से मुझे कटिंग्स कुछ मिल गई थी तो वो भी मैंने लगा दी हैं। तो देखते हैं, क्योंकि इस बार की मेरे पास एक भी गुलदाउदी नहीं था। पिछली बार तो मैंने सिर्फ कटिंग ले लेके ही बिल्कुल फ्री में काम चलाया था और मेरे पास 6-7 तरह के गुलदाउदी हो गए थे कलर के, मगर इस बार गर्मी इतनी पड़ी और मैं उनको सहेज नहीं पाई दोस्तों, और मेरी वो गुलदाउदी सारी चली गई। तो अब मैं ख़रीद के ला रही हूँ, कुछ ख़रीदूँगी, कुछ कटिंग मिल रही हैं, तो फिर से गार्डन मेरा कोशिश करूँगी कि मेरा गार्डन रंग बिरंगा हो जाए। ये मेरा हो गया है, लग गया है, और इनको मैं इसी तरह भी मैं गमले ढूंढती हूँ कहाँ लगाना है, तो इनको मैं अभी लगाती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए टमाटर की पौच चल रही है, अच्छी चल रही है, और ये ख़राब एक हो गई तो इसको मैं हटा देती हूँ। और देखिए मिली बक्स भी अपना काम करने चले आ रहे हैं। साथ में देखिए मैंने यहाँ पर गोभी लगाई थी, और मैं कहती हूँ ना कि मेरे यहाँ मोर बहुत आते हैं तो इसको मुझे अब छुपाना पड़ता है, कि जबकि ये नीचे ही रखा, अभी मैंने इसको धूप में नहीं रखा उस पौधे को, कि थोड़ा सा पक्का हो जाए, जड़ पकड़ ले तो फिर तब मैं इसको धूप में रखूँगी, लेकिन जड़ क्या पकड़ेंगे, ये खा खा के सब ख़त्म कर देंगे रहे मोर। ऊपर जिन जिनको जिन पौधों को मैंने टेरेस पर रखा था वो जो है बिल्कुल खा के तैयार कर दिए, तो मैं अब इस गमले को थोड़ा सा छुपा दूँगी जिससे इनकी नज़र से ये बच जाए। तो मैं इनको देखिए मैं यहाँ पर पीछे रख रही हूँ, और एक यही रास्ता मेरे पास बचता है इन गोभियों को बचाने का, थोड़ा पौधा बड़ा तो हो जाए, थोड़ी जान तो इनमें आ जाए, और फिर तब मैं इनको फुल धूप में रखूँगी। इस तरह से मैं इनको और भी छुपा देती हूँ पीछे, ताकि यहाँ तक पहुँच ना पाए, और इस तरह से कोशिश मेरी मोरों से बचाने की ये है। देखिए ये बैगन इसको खा गए थे, ये देखिए एक यहाँ पर ये हो रहा है लहसुन, तो और इसी में यहाँ एक आलू लगा हुआ है, लहसुन देखिए दिख भी रहे हैं ऊपर आ गए, तो मैंने इनको इस तरह से मैं इन थैलों को मैं फेंक नहीं रही हूँ, और मैं इस तरह से कोशिश कर रही हूँ कि इससे इस तरह से इनको बचाऊँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो बस दोस्तों मेरी ये गुलदाउदी लग गई है, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दही का पानी साइड में डाल रही हूँ, हालांकि मिट्टी गीली है, ताकि जो नीचे जो मैंने किचन वेस्ट डाला है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाए। और इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा ये गुड़ का पानी मैंने रखा हुआ सेव करके, गुड़ का पानी है, इसको भी मैं ज़रा सा इस साइड में डालूँगी, ज़्यादा नहीं बस, ताकि नीचे जो किचन वेस्ट है वो बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। तो जिस तरह से हम लोग फर्मेंटेड डाइट से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सही रहता है ना दोस्तों, उसी तरह पेड़ों के लिए भी ये फर्मेंटेड मिट्टी, फर्मेंटेड सॉइल मीडिया जो है अच्छा काम करता है, जिसमें पौधे अच्छे पनपते हैं। तो मैंने जड़ से किनारे डाला है, तो नीचे जो जितनी भी वो जो मैंने किचन वेस्ट डाली है वो जल्द से जल्द फर्मेंट हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये देखिए मैंने एक इसको रिपोर्ट किया था मोगरे के प्लांट्स को, तो ये भी अब अच्छा चल रहा, तो इनको मैं धूप में रखूँगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।